गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द लास्ट क्लास ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड प्रिंसिपल्स। वी आर लेफ्ट विद ओनली एप्लीकेशंस नाउ। दिस इज द लास्ट क्लास फॉर द चैप्टर। ओके, आई डेलिबरेटली डिलेड दिस बिकॉज इट इज प्रीटी ईजी एंड आई वॉज मच फोकसिंग ऑन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ एनी विच वेज। ओके, सो वॉट यू कैन सी ऑन अ स्क्रीन इज़ अ सिंपल PCR मशीन। एक बहुत हाईटेक सोफिस्टिकेटेड मशीन है बेटा, ठीक है। इसी दैट इज़ वाई दिस सब्जेक्ट इज़ रेफर टू एज बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज दिस इज वॉट वी से द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, सो टुडे वॉट द एजेंडा फॉर टुडेज क्लास इज वाइंडिंग अप दोज लास्ट फ्यू सेक्शन ऑफ द चैप्टर। ओके, तो PCR एज द नेम सेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ओके, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, दिस पर्टिक्युलर टेक्निक वॉज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलस, इन्वेंटेड बाय एन इंडिविजुअल कॉल्ड कैरी म्यूलस। ओके, अब ये मशीन के अंदर क्या होता है ये हम लोग बात करेंगे। ये बहुत ही एक सिंपल मशीन है बेटा, कुछ भी ऐसे बहुत आपको बहुत ऐसे सोफिस्टिकेटेड दिखेंगे, बट व्हाट यू कैन सी हियर दिस इज ऑल द पोर्ट। ओके, ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ दीज आर ऑल ऐसे 96 प्लेट वेल होता है। ओके, जिसमें आप आपका सैंपल डालते हो, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स, व्हाट इज दिस मशीन यूज्ड फॉर? दिस मशीन इज अल्टीमेटली डूइंग समथिंग कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA। व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लीफिकेशन बेटा? एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या है बच्चा? एम्प्लीफिकेशन रेफर्स टू इंक्रीजिंग द नंबर, राइट। अगर एक साउंड को एम्प्लीफाई करते हो तो आप साउंड की इंटेंसिटी एम्प्लीफाई कर रहे हो, करेक्ट। अगर एक DNA को एम्प्लीफाई करना है, इसका मतलब आपको DNA का नंबर, इन अदर वर्ड्स DNA का अमाउंट इंक्रीज करना पड़ेगा, करेक्ट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट, व्हेन यू प्ले विद दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट, यू हैव एक्सट्रैक्टेड द जीन ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट किया। ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सपेरिमेंट करने के बाद इल्यूशन करके एक प्रोसेस किया, ठीक है। अब इल्यूशन से आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला, ठीक है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, देखो आपको फैक्ट्री रन करनी है, बड़ी इंडस्ट्री रन करनी है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट इज कंपेरेटिवली लेस, राइट। अब आई विल बी यूजिंग अ टेक्निक, अगर मेरा लेट्स से फॉर एग्जांपल जो जीन ऑफ इंटरेस्ट 1 picogram है या 1 nanogram है, इससे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, करेक्ट। तो इसी नैनोग्राम ऑफ DNA जीन ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत प्रेशियस है मेरे लिए, करेक्ट। बिकॉज यही अल्टीमेट जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको मैंने बहुत मेहनत से, आई हैव टेकन इट आउट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, आई हैव डन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट टू गेट दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो इट इज एब्सोल्युटली प्रेशियस, राइट। आई कैन नॉट लूज दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूँगा, इस नंबर, इस लेट्स से फॉर एग्जाम्पल अगर अमाउंट एक 1 picogram है, आई विल हैव टू इंक्रीज, कोई तो एक ऐसा टेक्निक मैं यूज करूंगा विच विल हेल्प मी इंक्रीज द अमाउंट और नंबर ऑफ दोज DNA स्ट्रैंड्स। मतलब इमेजिन कर लो कि आपके इल्यूशन करने के बाद आपके DNA के, आपके जो सैंपल टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10 strands ऑफ DNA है, ठीक है। ये 10 strand ऑफ DNA इज 10 छोटे strands ऑफ DNA है, इट इज एब्सोल्युटली नथिंग, करेक्ट। तो इस 10 strand ऑफ DNA को आप एक साइजेबल अमाउंट में बनाते हो सो दैट यू कैन स्टोर इट फॉर योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई टेक्निक है जिसमें मैंने 1 picogram को 1 gram ऑफ DNA में कन्वर्ट कर दिया, विच इज अगेन अ साइजेबल अमाउंट, 1 gram ऑफ DNA बहुत होता है, ठीक है, या 1 gram से भी ज़्यादा अगर मैं कर पाता हूँ, सो दैट इज कंपेरेटिवली अ ईजियर टेक्निक, ठीक है। द सेम टेक्निक इज ऑल्सो यूज फॉर एज अ डायग्नोस्टिक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। ये तो चलो, ये तो PCR का एक एडिशनल एप्लीकेशन है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स,
इसका मेन पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? एम्पलीफिकेशन ऑफ द डीएनए, दैट डीएनए कैन बी एनी टाइप डीएनए, इट कैन बी अ वायरल डीएनए इफ वी आर डूइंग फॉर एचआईवी, है ना, कंफर्म करने के लिए. अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट है तो वो जीन ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाई करेगा. इन अदर वर्ड्स, इट इज इंक्रीजिंग द नंबर, इट इज इंक्रीजिंग द अमाउंट. इन अदर वर्ड्स, इज दैट वेरी क्लियर? सो द प्रिंसिपल ये कर क्या रहा है अल्टीमेटली, द प्रिंसिपल हियर इज वेरी सिंपल. इट इज प्रिंसिपल इज इन विट्रो रेप्लीकेशन, इन विट्रो रेप्लीकेशन. Now you will be studying a topic called as DNA replication in your chapter called as molecular biology. Molecular basis of inheritance में ये पढ़ोगे आप, correct? Same technique पढ़ोगे, जो आप same technique नहीं but ये same technique आपका cell utilize करता है, आपका nucleus में जो DNA replicate होता है same method से होता है, तो you will be talking about DNA replication there. Alright. So हो क्या रहा है ये पूरे मशीन के अंदर, हो क्या रहा है डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है. जो हमने एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए से स्टार्ट किया था, ये एक स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेट होके दो बनेगा, दो से चार बनेंगे, चार से आठ बनेंगे, मतलब इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. ओके, एट का डबल. सो दैट इज हाउ टेक्निकली the amplification of DNA is possible. Is that right? So principle is very simple. Steps हम लोग बात करेंगे कि ये कैसे कर रहे हैं, amplification of DNA क्या कर रहे हैं, ठीक है? जो replication cell के अंदर हो रहा है, the same replication process we are doing it outside the cell, ठीक है? In the lab, in this very beautiful, sophisticated, expensive machine. ये ऐसा machine दिखता है, ठीक है? ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे आप यूएसबी कनेक्ट कर सकते हो और पूरा का पूरा डेटा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखता है. सो अ लॉट ऑफ कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजी इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस, दैट इज व्हाई दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी. अ पर्सन हैज टू बी वेरी वेल यूज टू विद टेक्नोलॉजी ऑल्सो. ये जो स्क्रीन है, कंप्यूटराइज स्क्रीन, इसमें आपको साइकिल्स दिखेंगे कि एक साइकिल में, फॉर एग्जाम्पल, एक साइकिल में एक स्ट्रैंड, एक पूरा डीएनए, ये पूरा जो अखंड मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो डबल स्टैंडर्ड है, एक साइकिल के बाद दो बनेगा. ओके, दो साइकिल के बाद चार बनेगा ऑन दैट पर्टिकुलर. दिस इज हाउ इट कीप्स ऑन साइकिल्स के हिसाब से. तो आप क्या करते हो, आप इसमें इंफॉर्मेशन फीड करते हो कि आपको कितना साइकिल बनाना है, कितने साइकिल आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है? द डिवाइस इज वेरी सिंपल. ये डिवाइस जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड लगता है, यहाँ पे पोर्ट्स है. ये डिवाइस एक थर्मोस्टेबलर है, इट इज अ थर्मोस्टेबलर. थर्मोस्टेबलर या थर्मोस्टैट जो टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करते जाता, ठीक है? मतलब जो बनाने वाले ने, जो बायोमेडिकल इंजीनियर ने जो ये डिवाइस बनाई है, द डिवाइस इज ओनली डूइंग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. बाकी का जो काम करिश्मा हो रहा है वो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर खुद से हो रही है बेटा, ठीक है? ये जो सैंपल पोर्ट्स है ऑटोमेटिकली हो रहा है. बट वॉट इज दिस मशीन कॉन्फरिंग टू? दिस मशीन इज कॉन्फरिंग यू इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर. नाउ हियर टेम्परेचर प्लेज अ मेजर रोल. इज दैट वेरी क्लियर? नाउ लेट्स गो बैक एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वॉट, हाउ इज दिस पर्टिकुलर टेक्निक वर्किंग. ये मशीन के अंदर हो क्या रहा है और एनसीईआरटी के हिसाब से उनको आगे पढ़ना क्या है, दैट इज वॉट वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है? नाउ फॉर अ पीसीआर रिएक्शन, फॉर अ आई टोल्ड यू इट इज अ रेप्लीकेशन. तो अगर डीएनए को रेप्लीकेट करना है, डीएनए को फॉर्म करना है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाना है, तो आपको एक डीएनए पॉलीमरेज करके एक एंजाइम लगेगा. ओके, अब डीएनए पॉलीमरेज इज द एंजाइम विच इज यूज्ड इन योर ओन सेल आल्सो टू रेप्लीकेट द डीएनए, ठीक है? बट यहां पे माय फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच आई विल बी राइटिंग इज द डीएनए टेम्पलेट. द डीएनए टेम्पलेट, एंड दिस इज द सेम डीएनए टेम्पलेट विच इज सपोजडली टू बी रेप्लीकेटेड. ये डीएनए टेम्पलेट है, दिस डीएनए टेम्पलेट, लेट्स से फॉर एग्जांपल इट इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट,
तो यही जीन ऑफ इंटरेस्ट है जो रेप्लिकेट होगा और इसका नंबर इंक्रीज हो जाएगा. साइज नहीं इंक्रीज होता, नंबर इंक्रीज होता है, अमाउंट इंक्रीज होता है ऑन दैट लेवल. तो डीएनए आपको रेप्लिकेट करने वाला चीज चाहिए. दूसरा आपको क्या चाहिए, रेप्लिकेट करने वाला एंजाइम चाहिए बच्चा, ठीक है. तो दैट रेप्लिकेशन करने वाला जो एंजाइम है दैट इज टैक पॉलीमरेज. बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हमने टैक पॉलीमरेज के बारे में पढ़ा था. इट इज वन ऑफ द एंजाइम विच वर्क्स एट अ हाई टेम्परेचर. एक ऐसा प्रोटीन एंजाइम विच डज नॉट गेट डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर, ठीक है. सो टैक पॉलीमरेज इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, बहुत सारे बच्चों को पता ही है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम और आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस अक्वाटिकस. इसलिए टैक थर्मस अक्वाटिकस क्या है बेटा, थर्मस अक्वाटिकस एक ऐसा बैक्टीरिया जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में रहता है. मतलब इट इज अ ऑर्गेनिज्म विच कैन सस्टेन दैट हाई टेम्परेचर. अगर वो ऑर्गेनिज्म सस्टेन कर पा रहा है तो उसकी पूरी सेल्यूलर मशीनरी सस्टेन कर पा रही है, तो उसका जो प्रोटीन है वो भी सस्टेन कर पा रहा है. सो टैक पॉलीमरेज इज अ इन एविडेंट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस. व्हाई टैक पॉलीमरेज इज यूज, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज द टेम्परेचर और इंक्रीज टेम्परेचर पे, बिकॉज हम 92 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे, ठीक है, 92 टू 95 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे. तो इन दैट पर्टिकुलर केस ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने सादा डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया या ह्यूमन डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया या ईस्ट का डीएनए पॉलीमरेज यूज़ किया, दैट माइट गेट डैमेज और डीनेचर्ड और मेरा रिएक्शन का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है. तो दैट इज़ वन मोर रिक्वायरमेंट विच आई हैव. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव द थर्ड रिक्वायरमेंट विच इज डीएनए प्राइमर. Now one question which I will ask you and you are supposed to get the answer, ठीक है. When you talk about a normal process, ये मॉल बायो में जब भी पढ़ोगे तो याद रखना है ये डाउट पूछना है, ठीक है. Generally हम ये डाउट जो है, ये क्वेश्चन जो है, हम जब टीचर्स इंटरव्यू लेते हैं या फिर ऐसा डेमो राउंड होता है तब हम टीचर्स को पूछते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ टीचर्स दे स्किप दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके. तो इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, ये आंसर आप खुद से फाइंड आउट करोगे. और अगर किसी को आंसर जानना है तो अगर किसी को राइट आंसर आता है तो मेरे को आप पर्सनल मैसेज कर दो, अगर आपको राइट आंसर नहीं आता है, ठीक है, तो भी आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर दो और मेरे को पूछ लो कि सर इसका आंसर क्या है, ठीक है. अब यहाँ पे बेटा डीएनए प्राइमर यूज हो रहा है. PCR में वी यूज DNA प्राइमर, वेर एज नॉर्मल रेप्लीकेशन में एक प्राइमर यूज होता है RNA प्राइमर. अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि सर PCR इज अ इन विट्रो रेप्लीकेशन, है ना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा रेप्लीकेशन प्रोसेस को मिमिक कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. तो सेल के अंदर RNA प्राइमर यूज हो रहा है. प्राइमर है क्या बेसिकली, प्राइमर इज अ शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 बेस पेयर सीक्वेंसेस, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, छोटा सा एक सीक्वेंस है, एकदम नूसा छोटा सा, एब्सोल्यूटली ओके, 8 to 10 बेस पेयर्स होंगे, राइट. सो दैट स्मॉल सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ डीएनए, मतलब टेक्निकली इसमें ATCG होंगे. बट जब नॉर्मल रेप्लिकेशन हो रहा है सेल के अंदर, वहाँ पे आरएनए प्राइमर यूज होता है. सो इसका क्वेश्चन ये है कि वाई, क्यों हम यहाँ पे आरएनए प्राइमर यूज़ नहीं कर सकते, क्यों हमको यहाँ पे डीएनए प्राइमर यूज़ करना है, या फिर हमारी मशीनरी क्यों आरएनए प्राइमर यूज़ डीएनए प्राइमर यूज़ नहीं कर सकती, राइट. वाई कांट आई यूज़ डी आरएनए प्राइमर इन दिस एक्सपेरिमेंट इज माई क्वेश्चन, ठीक है. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर लो एंड गेट बैक टू मी, राइट. एनीवेज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग अहेड एंड एक्सप्लेनिंग इट टू यू. बट अगर दिमाग में कीड़ा घुस गया है तो उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो रहा तो प्लीज कम अहेड एंड आस्क, समझ गया बच्चा. तो नेक्स्ट आता है मेरा फोर्थ रिक्वायरमेंट, वो है DNTPs. DNTPs मतलब, DNTPs का मतलब क्या है बच्चा,
डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ट्राई फॉस्फेट्स। ओके, डी ऑक्सी क्यों? क्योंकि मेरे को यहां पे डीएनए बनाना है ना, हमको डीऑक्सी राइबोस शुगर चाहिए। सो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट क्यों? बिकॉज ये फॉस्फेट का ब्रेकिंग विल गिव मी दी एनर्जी फॉर रेप्लिकेशन। ठीक है, तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, इन अदर वर्ड्स इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? एग्जाम्पल्स मतलब चार ही तो एग्जाम्पल है, होंगे डी ए टी पीस, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब जो एटीपी है, एटीपी में राइबोस शुगर लगता है। ठीक है, अगर उस राइबोस को डीऑक्सी राइबोस बनाया, कैसे बनाते हैं डीऑक्सी राइबोस, कैसे बनाते हैं डीऑक्सी राइबोस पता होना चाहिए। सेकंड कार्बन में से ओएच निकल, ओ निकल जाता है, सो इन अदर वर्ड्स राइबोस बिकम्स डीऑक्सी राइबोस, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, गो बैक टू योर बायो बायो मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो डीऑक्सी राइबोस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वैसे ही डीऑक्सी राइबोस गुआनोसिन, डी जी टी पी सेकेंड, डी जी टी पी, अरे जी 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 डी जी टी पी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद आता है बेटा डी टी टी पी थाइमोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड पची डी सी टी पी साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, क्योंकि मेरे को डीएनए, अगर ये सिंपल है, डीएनए सिंथेसाइजर जो हो रहा है ना वैसा ही है, डीएनए सिंथेसाइजर भी बेटा ऐसे ही दिखता है, पीसीआर मशीन के जैसे दिखता, समझे? तो ये मेरी रिक्वायरमेंट है, वेरी क्लियर। तो अब ये चारों रिक्वायरमेंट्स को डालकर मैं अभी क्या करने वाला हूं, लेट्स गो बैक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, नाउ व्हाट आई हैव, अब मैं स्ट्रेट लाइन नहीं बना सकता, इसीलिए मैंने ऑलरेडी लाइंस बनाकर रखी है। ठीक है, सो प्रोसेस में द फर्स्ट स्टेप विच वी इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज डीनेचुरेशन। ओके, डीनेचुरेशन किसका डीनेचुरेशन हो रहा है, और डीनेचुरेशन किसका हो रहा है बेटा, डीएनए का हो रहा है। ठीक है, अब डीएनए डीनेचर होके क्या बनेगा, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीनेचर किया तो क्या हो जाएगा, वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा। डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 70 डिग्री सेल्सियस, इट इज द पॉइंट वेयर द डीएनए स्टार्ट्स अनजिपिंग और द हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टार्ट ब्रेकिंग, पूरा ब्रेक नहीं हुआ है, 70 डिग्री पे ये होता है। ओके, सो डीनेचुरेशन इज दैट प्रोसेस, पहले अपन को ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। अब वो करने के लिए आप क्या करते हो, डीनेचुरेशन टेक्स प्लेस एट अ टेम्परेचर ऑफ 90-95 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो डीनेचर टेक्स प्लेस एट 90-95 डिग्री सेल्सियस। ओके, मान लो कि ये आपका डीएनए सीक्वेंस है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है ना, एक डीएनए को होता है 3' एंड, एक डीएनए को होता है 5' एंड, पची सिमिलरली 5' 3' है ना। अब क्या होगा, अब इसी स्टेप में, मतलब लेट्स गो बैक टू दिस, ये जो आपको पोर्ट दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है, ये पोर्ट में 96 प्लेट वेल में ऑलरेडी यू हैव एडेड दीज थिंग्स। ठीक है, व्हाट यू हैव एडेड, यू हैव एडेड योर डीएनए सैंपल जीन ऑफ इंटरेस्ट, देन यू हैव एडेड डीटीपीस डीएनटीपीस, यू हैव एडेड टैग पॉलीमरेज एंड आरएनए एंड डीएनए प्राइमर, ये ऑलरेडी इसमें ऐड करके रखते हैं। अब रख के मशीन चालू करके टिफिन खाने चले जाते हैं, या तो हम ऐसे ही करते थे, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, मशीन को चालू करके, और जैसे वॉशिंग मशीन चालू करके आप छोड़ देते हो, वैसे ही ये मशीन को चालू करके आप आपका बाकी काम करने चले जाते हो, तो ऑटोमेटिकली मशीन अपना काम करेगा एंड ऑटोमेटिकली वो बीप देगा, बीप देने के बाद आपको आना पड़ेगा, एंड देन यू विल, व्हाट यू गेट इन दिस सेम वेल इज द एम्प्लीफाइड अमाउंट ऑफ डीएनए। सच अ हाईटेक टेक्नोलॉजी,
ओके, अनबिलीवेबल टेक्नोलॉजी इन अदर वर्ड्स. चलो तो कर क्या रहे हैं यहाँ पे हम, और एक चीज आपको बेसलाइन याद करना है दैट डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन. ये भी मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया था, डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ 5-2-3-. डीएनए रेप्लिकेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑफ 5-2-3, बिकॉज न्यू न्यूक्लियोटाइड इज एडेड एट द 3'OH. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इज एडेड एट द 3'OH. तो अगर 3' एंड पे नया न्यूक्लियोटाइड ऐड करते करते जाएंगे तो 3' एंड लंबा होते जाएगा. ठीक है, तो घूम फिर कर बात क्या है, 5' से स्टार्ट हुआ 3' पे लगते लगते गया, तो 5' to 3' डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. ठीक है, अब यहाँ पे विद आई टोल्ड यू विद द डीएनए जीन ऑफ इंटरेस्ट व्हाट हैव यू एडेड, यू हैव एडेड टैक पॉल प्लस यू हैव एडेड डीएनटीपीस प्लस यू हैव एडेड डीएनए प्राइमर्स. चारों के चारों रिक्वायरमेंट्स आपने इसमें मसाले में डाल दिए. ठीक है, सो नाउ व्हाट यू हैव अ सैंपल सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल दीज 4 रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, एंड व्हाट आप जैसे मशीन चालू करता है, मशीन ऑटोमेटिकली टेम्परेचर, ये सैंपल का जो टेम्परेचर है अराउंड वो कॉइल्स होते हैं, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर टू 90-95°C. एट दिस टेम्परेचर द डीएनए स्ट्रैंड, ये मेरा 3' डीएनए स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट के अब आपको 2 single-stranded strands मिल जाएंगे बेटा. ये 5' to 3' वाला स्ट्रैंड है, सॉरी 3' to 5' वाला स्ट्रैंड है, और ये 90 to 95 degree Celsius पे ये प्रोसेस चलता है बेटा. ठीक है, तो अब आपको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिल गए, कैसे, डीनेचुरेशन में. इज दैट राइट. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज रेफर टू एज अनीलिंग. द नेक्स्ट स्टेप इज रेफर टू एज अनीलिंग, अनीलिंग या एनीलिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट एज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमर अनीलिंग. बेटा अनील का मतलब क्या है, अनील का मतलब है झकास, बकवास. अनीलिंग का मतलब है जॉइनिंग, टू स्टिक इज अनील. ठीक है, तो गो बैक व्हेन वी टॉक अबाउट, वी स्टार्टेड अप विद अ 3' एंड अ 5' 5' 3' डीनेचुरेशन के बाद अपन को ऐसा स्टेज में डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड स्टेज में डीएनए है. ओके, अब आता क्या है, एक प्राइमर, 3', 5'. ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. प्राइमर क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सीक्वेंसेस होंगे, सेम. ठीक है, सेम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के. So these primers, they will go ahead and attach themselves. These primers का annealing होता है. At what temperature? So जो 90-95°C पे आपने sample रखा था, अब थोड़े time के बाद वो sample हो जाएगा. That will come to a temperature that is 55°C. So जब 55°C पे आते हैं, तो at that particular temperature, these primers will go ahead and anneal with the counterparts. ठीक है, तो यहाँ पे वो रिएक्शन आपके, आपका जो प्राइमर है, एक प्राइमर आकर, ये प्राइमर यहाँ पे लगा देते, घुमा एरो दिखा देते, एक प्राइमर आकर 3-5' होना चाहिए बेटा,
लगेगा कौन सा कहाँ पे कौन सा काउंटर पार्ट पे होगा, बिकॉज रेप्लिकेशन कौन से डायरेक्शन में होता है, 5' to 3'। तो प्राइमर कहाँ पे लगना चाहिए, प्राइमर लगेगा आपके कॉम्प्लीमेंट्री टू दी 3' एंड। प्राइमर कहाँ पे लगेगा, आई रिपीट, कॉम्प्लीमेंट्री टू दी 3' एंड ऑफ दी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो मारा प्राइमर अहिया लागे छे, तो ये हो गया बेटा कॉम्प्लीमेंट्री टू दी 3'। तो आ छे 5' और आ छे 3'। सिमिलरली ये इधर लगेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, क्योंकि मॉल बायो से भी कनेक्टेड है ना। तो इन पीसीआर कहाँ पे प्राइमर लगेगा, इट विल बी द प्राइम, बिकॉज रेप्लिकेशन कहाँ पे होना चाहिए, नो न्यू न्यूक्लियोटाइड विल बी एडेड एट दी 3' OH, करेक्ट। तो 3' OH फ्री दिखना चाहिए मेरे को, है ना। तो प्राइमर विल बी अटैच्ड टू कॉम्प्लीमेंट्री टू दी 3' एंड ऑफ दी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। So this step is referred to as annealing or primer annealing, which is taking at a temperature of 55 degrees Celsius, which is comparatively less than your first step, that is denaturation. समझी गयो बेटा, ठीक है। अब एक बार ये आग लगा दिया हमने, क्यों ये primer लगता है, क्योंकि अगर primer नहीं लगाया ना तो ऑटोमेटिकली ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया और प्राइमर नहीं है, बिकॉज प्राइमर, देखो प्राइमर एक छोटा सा बच्चा जैसा है ना, इट इज़ अ स्मॉल सीक्वेंस। सो छोटे बच्चों को किसी बहुत क्यूरियोसिटी होती है, इधर जाओ के उधर जाओ के इधर जाओ के उधर जाओ, है ना। वैसे ये प्राइमर भी छोटा सा सीक्वेंस है, करेक्ट। और इनके पास तो फ्री कैसे भी जाकर इसको किधर तो जाकर चिपकना है। तो व्हाई डू यू ऐड अ प्राइमर हियर, बिकॉज प्राइमर अगर ऐड नहीं किया तो आपने जो डीनेचुरेशन किया हुआ सीक्वेंस है, सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, व्हेन यू ब्रिंग इट टू 55 डिग्री सेल्सियस, ऑटोमेटिकली वो कॉम्प्लीमेंट कर जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो वापस सिंगल डबल स्टैंडर्ड बन जाएंगे। तो फायदा ही नहीं है ना, रिएक्शन तो वैसे ही हो रहा, मेरा रिएक्शन खराब हो जाएगा, है ना। तो टू प्रिवेंट दी ऑटोमेटिक बाइंडिंग, ठीक है, ऑटोमेटिक बाइंडिंग ऑफ द सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स, डीएनए प्राइमर इज एडेड। इज दैट वेरी क्लियर। और एक रीजन ये है बेटा कि अगर डीएनए प्राइमर नहीं लगाया तो वेयर विल दीज आरएनए पॉलीमरेज कम एंड बाइंड, कुछ तो एक सेक्शन चाहिए ना, एक रीजन चाहिए 3' एंड पे वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के लिए। इज दैट वेरी क्लियर। सो देयर यू ऐड डीएनए प्राइमर एट 55 डिग्री सेल्सियस, ओके, 55 डिग्री सेल्सियस ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। सो दैट स्टेप इज रेफर टू एज प्राइमर अनीलिंग, इज दैट राइट। नेक्स्ट स्टेप, अब क्या होगा तीसरा स्टेप, द थर्ड स्टेप इज रेफर टू एज एक्सटेंशन। थर्ड स्टेप इज रेफर टू एज एक्सटेंशन, विच टेक्स प्लेस एट 70 to 75 degree Celsius on an average 72 degree Celsius, okay। तो ये आपका 3' था बेटा, ये आपका 5' था, पहले वाला डायग्राम बनाना है अपन को वापस, ये आपका 5', ये आपका 3'। डिंग 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 डिंग, डिंग 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 डिंग, डोरेमन में ऐसी आवाज़ आती है, डोरेमन में नहीं, कौन से तो एक इसमें आती है, आई डोंट नो, कोई पागल समझेगा ना अगर ये वीडियो कोई और देख रहा होगा तो, कि ये टीचर बच्चों से कुछ भी बात करता है। कम बैक, वो तो सिर्फ आपकी मैं ऐसी लेक्चर की थोड़ी लाइट मूड रखने के लिए कुछ भी बकवास करता हूँ। तो अपन लगाते हैं प्राइमर, उधर लगा हुआ था, इधर प्राइमर लगाते हैं ऐसे, तरला दलाल की रेसिपी चल रही है, प्राइमर लगाते हैं। और प्राइमर कौन से डायरेक्शन पे, कौन से इसको कॉम्प्लीमेंट्री था, 3' के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस पे, 3' एंड पे जाकर कॉम्प्लीमेंट्री टू दी 3' एंड जाकर प्राइमर अटैच होगा।
ओके सो दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, पछि आइया 5 प्राइम 3 प्राइम. ये डायग्राम देखे वो आपको है ना कंफ्यूज कर सकते हैं और पूछेंगे विच ऑफ द डायग्राम इज करेक्ट. ठीक है, सो जैसे ही बेटा 72 डिग्री एवरेज टेम्परेचर पे आएगा, ओके 72 डिग्री सेल्सियस पे द एक्सटेंशन विल स्टार्ट. मतलब इन अदर वर्ड्स ये प्राइमर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते होते जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स विल बी एडेड एंड देयर बाय द एंटायर डीएनए स्ट्रैंड विल बी एक्सटेंडेड. मतलब इन अदर वर्ड्स डीएनए पॉलीमरेज अटैक पॉलीमरेज आकर यहां पे बाइंड होगा. और ये टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, ये 3 प्राइम ओएच पे नए न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते करते द एंटायर सीक्वेंस विल बी एक्सटेंडेड इन द डायरेक्शन ऑफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम. दिस प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज एक्सटेंशन. तो यहां पे भी एक्सटेंशन चालू हो जाएगा और एक्सटेंशन होते एक पूरा का पूरा सीक्वेंस बन जाएगा बच्चा. तो ये बन गया आपका 3 प्राइम, ये बन गया आपका 3 प्राइम. ठीक है, सो घूम फिर कर बात क्या है, बात हो गई कि एक्सटेंशन में व्हाट इज हैपनिंग, न्यू डीएनटीपीज आर एडेड बाय द एक्टिविटी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज. हियर द डीएनए पॉलीमरेज व्हिच वाज यूज्ड वाज टैक पॉलीमरेज. ठीक है, न्यू डीएनटीपीज आर एडेड, increasing the length of the single stranded DNA, increasing the length of the DNA. ठीक है, the DNTPs are added at the 3' OH. So, hence एक important point क्या है, hence नहीं important है, ये याद रखना है आपको, very important that replication replication takes place in five prime to three prime direction, in the 5' to 3' direction. समझ में आ गया बच्चा. ठीक है, so after extension what you get is अखंड सीक्वेंस. एक साइकिल के बाद आपको यही साइकिल हो रहा है, पहला टेम्परेचर गया 92 पे, फिर 92-95 पे दूसरा टेम्परेचर गया ऑटोमेटिकली आफ्टर सम टाइम, और कुछ टाइम इज एब्सोल्युटली एडजस्टेड ये साइकिल्स के बीच में. उसके बाद होता है एट टेम्परेचर 55 तो प्राइमर लग जाता है, प्राइमर लगने के बाद वापस टेम्परेचर को इंक्रीज करना है 72. क्यों टेम्परेचर को इंक्रीज करना है सर, क्यों 55 डिग्री पे क्यों नहीं हो सकता ये प्रोसेस, क्योंकि बेटा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज तो 55 डिग्री पे काम ही नहीं करेगा ना. टैग पॉलीमरेज को तो आइडियल टेम्परेचर ही ज़्यादा चाहिए, है ना, बिकॉज ये हॉट वाटर स्प्रिंग का ऑर्गेनिज्म है. इसीलिए अगेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर एट 72 डिग्री सेल्सियस, लाइक मैड यू डोंट अगेन इंक्रीज टू 92 डिग्री सेल्सियस. पागल थोड़ी हो, है ना, मेरे को 92 डिग्री सेल्सियस पे तो डीएनए टूट रहा है बेटा. ठीक है, वापस अगर 92 पे कर दिया, 95 पे कर दिया तो पूरा रिएक्शन का सत्यानाश वापस. तो आप 92 से कम 72 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाते हो, एंड एट 72 डिग्री सेल्सियस द एफिशिएंसी ऑफ टैक पॉलीमरेज इज कंपैरेटिवली ग्रेटर. एंड पछि आपको दो सीक्वेंस मिल जाते हैं, दो डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस मिल जाते हैं आफ्टर वन साइकिल. अब ये जो सीक्वेंस है दिस विल एक्ट एज अ एक सीक्वेंस कंप्लीटली दो बन गया. ठीक है, अब आपके पास दो डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है एक साइकिल के बाद. सो एक साइकिल के बाद आपके पास अभी दो डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, ये दो, दिस इज द सेकंड साइकिल. अब ये दो डबल स्टैंडर्ड सीक्वेंस के चार 3' 5' 5' 3' ठीक है, तो आपको चार सिंगल स्टैंडर्ड सीक्वेंस होंगे. अब चार के आपको चार सीक्वेंस बोलेंगे,
दिस इज दी आफ्टर द सेकेंड साइकिल. सेम जीन ऑफ इंटरेस्ट का देखो नंबर बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है. ओके अब साइकिल नंबर थ्री. साइकिल नंबर थ्री में क्या होगा, थर्ड साइकिल. अब आपके पास बेटे कितने सीक्वेंसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8. सो नाउ 8 सीक्वेंसेस होंगे, करेक्ट. सो थर्ड साइकिल में 4 के बने 8, फोर्थ सीक्वेंस में 8 के बने 16. इज दैट राइट नाउ. और आफ्टर थर्ड साइकिल यू विल हैव, आफ्टर थर्ड साइकिल यू विल हैव 8 डबल स्टैंडर्ड डीएनए. आफ्टर फोर्थ साइकिल यू विल हैव 16 डबल स्टैंडर्ड डीएनए. आफ्टर फिफ्थ साइकिल यू विल हैव 32 डबल स्टैंडर्ड डीएनए. आफ्टर जो भी नेक्स्ट साइकिल होते जाएगा, सो इट कीप्स ऑन डबलिंग, इट कीप्स ऑन मल्टीप्लाइंग एंड अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है. एंड अल्टीमेटली व्हाट यू गेट आफ्टर अ स्टिप्यूलेटेड टाइम, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, जैसे आपने एडजस्ट किया है, सो यू गेट अ साइजेबल अमाउंट ऑफ डीएनए. इज दैट वेरी क्लियर. सो इट्स अ वेरी 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 सिंपल प्रोसेस. आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद क्या करना है, 3 स्टेप, डीनेचरेशन, अनीलिंग और प्राइमर एक्सटेंशन, या प्राइमर अनीलिंग और एक्सटेंशन. समझ में आ रहा है बच्चा, ठीक है. सो दैट इज ऑल विथ पीसीआर. मेरे को बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. समझ में आ रहा है, ठीक है. All right, so I am assuming that you guys understood this particular technique. Okay, आगे बढ़ते हैं हम बेटा. और दूसरे एक additional technique है जो हम कल revision में देख लेंगे, ठीक है. अब उसके बारे में NCERT में बहुत vague ऐसे दिया हुआ है, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट ऐसे कुछ नाम दिए हुए हैं. लेट्स ट्राई टू गो अहेड एंड अंडरस्टैंड दैट. ये एक्स्ट्रा टॉपिक है, अगेन आई टोल्ड यू नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट वेयर इज इट गिवन इन एनसीईआरटी, वी विल टॉक अबाउट दैट इन टुमारोज लाइव क्लास. ऑलराइट, तो आई एम अज्यूमिंग, आई एम होपिंग दैट पीसीआर इज वेरी क्लियरली डन. अब चलते हैं दूसरे स्लाइड पे. दैट इज a topic called as blue white screening. Blue white screening is blue white screening jo hai, it is used for selecting transformant recombinant versus non-recombinant okay in a single plate. ओके, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जो है, बात करते हैं ये क्या है बेसिकली. ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग आपके नोट्स में शायद वो एप्लीकेशन चैप्टर के बाद दिया हुआ है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू सी इट देयर. अगर नहीं भी कर देखा तो ये वीडियो में आपको समझ जाएगा, ठीक है. अब देखो बेटा, एक अपन ने स्क्रीनिंग पढ़ा, कल भी देखा अपन ने कि स्क्रीनिंग में अपन को बहुत झोल करना पड़ रहा है. मास्टर प्लेट स्क्रीनिंग मतलब सिलेक्शन करना है आपको ना, ट्रांसफॉर्मेंट नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, एंड ट्रांसफॉर्मेंट अगर है तो रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट. सो यू हैव टू अल्टीमेटली यू हैव टू सिलेक्ट रिकॉम्बिनेंट्स, करेक्ट. बापरे, तो ये सर टेक्निक बहुत ही टीडीएस है. टीडीएस का मतलब क्या है कि अरे सर और बहुत ही झोले यार, मास्टर प्लेट लो, मास्टर प्लेट से स्टैम्प मारो, एम्पेसिलिन वाले प्लेट में डालो, वापस स्टैम्प मारो, उधर से स्टैम्प मारो, उठाकर टेट्रासाइक्लिन के प्लेट में डालो. तो यहाँ पे बच्चा 3 प्लेट यूज़ करना है, और ये जो स्टेप कर रहे हैं ना, दैट हैज़ टू बी डन अंडर वेरी स्टेराइल कंडीशन, वेरी असेप्टिक कंडीशन. नहीं तो क्या हो जाएगा, जो ऑर्गेनिज्म जो प्लेट है दैट माइट गेट कंटेमिनेशन. तो आपका पूरा रिएक्ट, पूरा एक्सपेरिमेंट वापस खराब हो जाएगा. ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, हमने ये एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और ये एक्सपेरिमेंट
बहुत ध्यान से करने पड़ते हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा, बिकॉज ये तैयार भी हमको ही करना पड़ता है, मीडियम भी हमको बनाना पड़ता है, सब कुछ हमको बनाना पड़ता है. वी रियली कांट टेक चांसेस व्हेन वी आर डूइंग दीज एक्सपेरिमेंट्स, राइट. तो सर ये तो बहुत ही टीडियस सा टास्क है यार, इधर से उधर प्लेट करो, उधर से इधर प्लेट करो. और जब प्लेट भी करते हैं ना बेटा, स्टैम्प मारना इतना ईजी नहीं है, आपको डायरेक्शन मार्क करना पड़ता है. बिकॉज व्हाट आर वी आफ्टर वी प्लेट इट नो, यू विल कंपेयर दी टू प्लेट्स. आप मास्टर प्लेट से एम्पिसिलिन प्लेट को कंपेयर करोगे, एम्पिसिलिन प्लेट से टेट्रासाइक्लिन प्लेट को कंपेयर करोगे. तो अगर आपने थोड़ा सा भी वो जो रेप्लिकेटर ब्लॉक है उसका डायरेक्शन भी घुमा दिया ना, तो आपकी कॉलोनी बर्बाद. आपकी कॉलोनी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, पोजिशन चेंज हो जाएगा, एंड यू विल बी कन्फ्यूज कि ये कौन सा कॉलोनी है. सो इट रेप्लिका प्लेट मेथड रिक्वायर्स प्रिसीशन, इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, करेक्ट. तो इसमें सर तीन प्लेट यूज करना है यार, बहुत सारा टीडियस टास्क है. तो कोई दूसरी ऑल्टरनेटिव है क्या जिसमें मैं एक ही प्लेट में साथ में यूनानिमसली इतना सारा झंझट किए बिना एक ही प्लेट में क्या मैं ग्रो कर सकता हूँ, या एक ही प्लेट में क्या मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, बट उसके लिए यू विल हैव टू ऑल्सो चेंज योर वैक्टर, राइट. अब फॉर रेप्लिका प्लेट मेथड विच वी स्पोक अबाउट, वी यूज PBR322 बिकॉज वी वेर यूजिंग द सिलेक्टेबल मार्कर दैट वॉज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, राइट. हियर इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर यूजिंग अ प्लाज्मिड दैट इज PUC8. अब दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ PUC8, ओके. PUC8 का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा है, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है. आपको सिर्फ PBR322 याद करना है. ये मैंने बनाकर इसलिए रखा बिकॉज ये अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको ब्लू वाइट स्क्रीनिंग नहीं समझेगा बेटा, ठीक है. सो बहुत ध्यान से देख लेना, PBR322 में यू हैव एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, ठीक है. वापस मैं इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन में कोई भी मेरा रेस्ट्रिक्शन साइट नहीं है बेटा, तो मैं इसको यूज भी नहीं कर सकता, फालतू का ही है, ठीक है. बट दूसरी साइड देखो, आई हैव अ जीन कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेस. नाउ आई विल बी यूजिंग दिस जीन, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन, एज माय सिलेक्टेबल मार्कर. कैसे वो बात करते हैं. विद इन द बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन, विद इन द बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन देर इज अ साइट, देर आर रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर सेवरल एंजाइम्स. इको आर1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, बाम एच1 के लिए है, स्मा1 के लिए है, HIN3 के लिए, PST1 के लिए. सो देर आर सो मेनी रेस्ट्रिक्शन साइट, सो दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज MCS, राइट. सो फॉर माई एक्सपेरिमेंट आई कैन चूज अगेन, दिस बिकम्स मोर कन्वीनियंट. सो आई हैव वेरीड सीक्वेंसेस, वेरीड ऑप्शंस ऑफ यूजिंग माई डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स. कोई भी एंजाइम्स मैं यूज कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस, राइट. तो यहाँ पे मैं बच्चा बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन को यूज करूंगा. व्हाट इज द यूज ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन, ये भी आप पढ़ने वाले हो इन अ टॉपिक कॉल्ड एज लैक ओपेरॉन. बट पढ़ोगे तब पढ़ोगे, यहाँ पे काम आने वाला है. तो यहाँ पे क्या काम आने वाला है वो लोग बात करते हैं. बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन जो है, इट बेसिकली ब्रेक्स लैक्टोस. लैक्टोस इज अ शुगर विच इज मेड अप ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, टू बी वेरी प्रिसाइज, है ना. लैक्टोज का हमको स्ट्रक्चर पता है, इट्स अ मिल्क शुगर, ठीक है. हमने ये बनाया हुआ है इन अ चैप्टर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन क्या करेगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करेगा इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. एंड मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो है, सब बैक्टीरिया जो है, उनका इजीली अवेलेबल फूड क्या है, ग्लूकोस. वो लैक्टोज को इतना जल्दी ब्रेक नहीं करेंगे. लैक्टोज को ब्रेक करने के लिए उनके पास स्पेशल मशीनरी है, एंड दैट इज कॉल्ड एज एन ओपेरॉन. ओपेरॉन आप मॉल बायो में पढ़ने वाले हो जीन एक्सप्रेशन में, ठीक है. तो बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन का फंक्शन आपको याद रखना है, दैट इज इट ब्रेक्स डाउन द लैक्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, समझे. और अब क्या करोगे आप, तो अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन है तो लैक्टोज ब्रेक डाउन होगा इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन में मैंने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया, बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन के बीच में मैंने डाल दिया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो
तो मेरा अखंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन विल बी ब्रोकन, ओके, एंड बीटा गैलेक्टोसाइडेज विल नॉट, द एंजाइम विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड. अगर एंजाइम ही नहीं बनेगा तो लैक्टोज विल नॉट बी एबल टू ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. इज दैट वेरी क्लियरली अंडरस्टूड? ठीक है, तो अब होगा हो रहा क्या है, लेट्स गो अहेड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये बेसिक प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन था बच्चा, ठीक है. अब प्री रिक्विजिट इंफॉर्मेशन के हिसाब से लेट्स गो अहेड एंड फाइंड आउट द एक्चुअल प्रिंसिपल कि ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग है क्या, ठीक है. बिकॉज एनसीईआरटी कहीं तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट वगैरह ऐसे कुछ बकवास चीज़ों के बारे में बात करता है. बकवास चीज़ें नहीं, सॉरी माई मिस्टेक, बच्चों के सामने ऐसे सब बोलते नहीं, बट आपको तो मेरी आदत पता है, तो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट और हेड गो हेड एंड कंप्लेन. बाय बाय. चलो नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं. तो लेट्स गो हेड एंड फाइंड आउट ब्लू वाइट स्क्रीनिंग. अब ब्लू वाइट स्क्रीनिंग जो है इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ओके, सो लेट्स गो हेड एंड राइट इट. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ works on the principle of insertional inactivation, insertional inactivation of beta galactosidase, insertional inactivation of beta galactosidase gene. ओके, अब इसकी भी कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी बच्चा. अब रिक्वायरमेंट क्या देखते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए. मैं अभी प्लेट में, जो मैं प्लेट बना रहा हूँ उस प्लेट में मैं क्या क्या डालूंगा. सो माय रिक्वायरमेंट इज, ये अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब रिक्वायरमेंट्स एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं, ये सब एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बट ये प्रोसेस समझाने के लिए ये चीज़ें बतानी पड़ती है, ठीक है. याद रखने की कोशिश कर लो बेटा, है ना. याद रखोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद रखा तो कॉन्सेप्ट पर समझने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, ठीक है. बट डेफिनेटली दे विल नॉट बी आस्किंग यू क्वेश्चन ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स, ठीक है. तो पहला रिक्वायरमेंट है, वी यूज अ कंपाउंड, अ मॉलिक्यूल कॉल्ड एज IPTG. IPTG का फुल फॉर्म जो है, एक्स्ट्रा है बता रहा हूं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल थायो गैलेक्टो पायरनो साइड. ओहो, वापस से छोटा सा हैंडराइटिंग में लिखता हूँ क्योंकि जगह नहीं हो रही. IPTG का फुल फॉर्म याद नहीं करना, ठीक है, काम का नहीं है, मैं बता रहा हूँ बस. क्यों ऐसा हो सकता है ना कि क्यूरिया, कुछ बच्चे ऐसे क्यूरियोसिटी में अटक जाते हैं, ठीक है. तो इट इज़ आइसो प्रोपाइल थायो गैलेक्टो गैलेक्टो पायरनो साइड. ठीक है ना. IPTG जो है, IPTG इज सिमिलर, स्ट्रक्चरली सिमिलर टू लैक्टोस और एलोलैक्टोस, ओके, लैक्टोज और एलो लैक्टोज. इज दैट वेरी क्लियर बेटा? ठीक है. दूसरा रिक्वायरमेंट है, आप यूज करोगे कंपाउंड कॉल्ड एज XGAL. XGAL इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. XGAL इज अ XGAL इज अ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. एज द नेम सेज, क्रोमो कलर, जेनिक जेनरेशन सबस्ट्रेट. सो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट
एक ऐसा सबस्ट्रेट, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो जो एक सबस्ट्रेट पे बाइंड करेगा और कलर देगा. सो इन अदर वर्ड्स दिस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्सगैल जो है इट बाइंड्स टू एक्सगैल. एक्स ऐसे याद रख लो बेटा, एक्स का मतलब क्या, एक्स हमेशा देखो टारगेट होता है ना. जब भी आप कोई कोई पेपर पे टारगेट मार्क करते हो कि मेरे को इधर जाना है, तो आप वहाँ पे एक्स मार्क करते हो, है ना, कि ये मेरा मैप है और मेरे को यहाँ पे जाना है, तो ये मेरा टारगेट है. तो एक्स गैल का टारगेट क्या है, गैल, दैट इज गैलेक्टोस. अगर मीडियम में गैलेक्टोस मिल गया बच्चा, तो वो गैलेक्टोस को जाकर बाइंड होगा. सो इट बाइंड्स टू गैलेक्टोस एंड गिव्स अ ब्लू कलर. इट बाइंड्स टू गैलेक्टोज एंड गिव्स अ ब्लू कलर. सो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट. एक ऐसा सबस्ट्रेट, एक ऐसा मॉलिक्यूल विच विल गिव यू कलर, विच विल प्रोड्यूस कलर एंड बाय बाइंडिंग टू गैलेक्टोज. अगर मीडियम में गैलेक्टोज मिल गया तो ब्लू कलर मिलेगा. ठीक है, अब जाते हैं प्रोसेस पे. ठीक है, अब हो रहा क्या बेटा कि आपने एक प्लेट लिया, न्यूट्रिएंट अगार प्लेट, और इस न्यूट्रिएंट अगार प्लेट में आपने क्या क्या ऐड कर दिया, न्यूट्रिएंट अगार में आपने क्या क्या ऐड कर दिया बनाने के टाइम पे, IPTG ऐड कर दिया है, और आपने प्लस क्या ऐड कर दिया है, एक्सगैल ऐड कर दिया है. ठीक है, अब कॉमन सेंस लगाओ बच्चा कि IPTG एलोलैक्टोज का जैसे काम कर रहा है या लैक्टोज के जैसे काम कर रहा है. ओके, और अगर आपके आपका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन अगर अखंड है, तो लैक्टोज विल नॉट बी ब्रोकन डाउन. अब देखो ऐसा कंडीशन है कि इस मीडियम में आप ग्लूकोज तो थोड़ा सा अमाउंट में डालोगे, बिकॉज अगर ग्लूकोज ही नहीं डालोगे तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो पाएगा. तो ग्लूकोज तो डालोगे, बट एक्सटेंसिव ग्रोथ के लिए यू विल ऑल्सो एड IPTG, राइट. तो अगर बैक्टीरिया एक्सटेंसिवली ग्रो करना है, ग्लूकोज खत्म हो गया, तो बैक्टीरिया जो जिसको ग्रो करना है तो वो ग्लूकोज का दूसरा अल्टरनेटिव भी ढूंढेगा, क्योंकि मीडियम में वो है एंड वो अल्टरनेटिव क्या है, IPTG, करेक्ट. बट IPTG को वो सीधे हाथ नहीं, इट इज थोड़ा सा टास्क है, थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा उसके लिए. और वो काम क्या है, IPTG को ब्रेक डाउन करो इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज और फटाफट ग्लूकोज को यूज कर लो, करेक्ट. तो एक मीडियम में आपने IPTG और एक्सगैल डाल दिया है, करेक्ट. इफ रिकॉम्बिनेंट में क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट ही सेलेक्ट कर रहे हैं ना हम, बिकॉज जिसने इसमें जो भी आएंगे वो सब ट्रांसफॉर्मेंट्स आएंगे बेटा. ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट में द बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन इज इनएक्टिव, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज इनएक्टिवेटेड. ठीक है, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन एक्टिवेटेड रहेगा, करेक्ट. अगर वो एक्टिवेटेड रहेगा तो वो IPTG मीडियम में से IPTG को ब्रेक डाउन करेगा एंड इट विल ब्रेक डाउन दैट लैक्टोज लाइक मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज. जैसे ही ये रिएक्शन हो जाएगा, जैसे ही ग्लूकोज तो वो यूज कर लेगा, जैसे ही गैलेक्टोज मीडियम में दिखता है तो वो एक्स गैल गैलेक्टोज पे जाकर बाइंड होगा and it will give blue color, it will give a chromogenic substrate, chromogenic ability, it has the chromogenic ability. So जो आपका recombinant, जो आपका non recombinant है जिसमें beta galactosidase gene activated है, ठीक है, that will give you blue color colonies. क्यों, बिकॉज ये सेल जब ही ग्रो हो रहा है, ये कॉलोनीज जब ही ग्रो हो रहे हैं, ये ग्लूकोज को यूज करके गैलेक्टोज तो फॉर्म हो रहा है क्योंकि इनकी बीटा गैलेक्टोसाइडस जीन एक्टिवेटेड है. ठीक है, तो और एक्स गैल जाकर बाइंड हो जाएगा. सो ऑल दीज कॉलोनीज विच यू गेट विच इज इन ब्लू इज नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज. आपको प्रिंसिपल समझा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट क्यों है बेटा, बिकॉज बीटा गैलेक्टोसाइडस जीन अखंड आहे. समझ ला, ठीक है.
तसच वैसे ही ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट होंगे जिसकी बीटा गैलेक्टोसाइडेस जीन इनएक्टिवेटेड होंगी वो तो आईपीटीजी को यूज ही नहीं कर पाएंगे, करेक्ट। अगर वो आईपीटीजी को यूज नहीं कर पाएंगे वो ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा ही नहीं उनमें, और ग्लूकोज गैलेक्टोज बनेगा ही नहीं, गैलेक्टोज बनेगा ही नहीं, एक्स गैल बाइंड ही नहीं हो पाएगा। सो योर नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज विल अपियर, नॉन रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज विल अपियर टू बी वाइट इन कलर। बेटा अभी मैं यहाँ पे वाइट बता नहीं सकता, तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। तो एक ही प्लेट में आपको वाइट कॉलोनीज भी मिलेंगे, ब्लू कॉलोनीज भी मिलेंगे, मस्त ब्यूटीफुल है ना। तो जो वाइट कॉलोनीज होंगे दैट विल बी रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंस। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज समझा? ओके, कंक्लूजन क्या है पूरा इसका, कंक्लूजन क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट्स विल बी वाइट इन कलर, वाइट विल फॉर्म वाइट कलर कॉलोनीज, वेयर एज ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल फॉर्म ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। प्रिंसिपल आपको समझ गया है? दिस इज जस्ट अ सिंपल एक्सरसाइज और एक्सपेरिमेंट वेयर इन वन प्लेट ओनली यू कैन सेलेक्ट रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, एंड यू डोंट हैव सच अ टीडियस टास्क लाइक रेप्लिका प्लेट मेथड। दिस इज जस्ट एन ऑल्टरनेटिव आई टोल्ड यू, ठीक है। जो भी हमारी एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसा भी हमारा वेक्टर है, उस हिसाब से आई विल बी यूजिंग दी टेक्निक्स, ठीक है। दिस इज वन टेक्निक विच इज एडिशनल, एनसीईआरटी में दो तीन लाइन में इसको सम अप कर दिया है बेटा, तो दिस इज हाउ इट गोस। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू रीड इट, समझ लो, और उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा चीज़ें, ओके। तो दैट एंड्स विद ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ऑल्सो, अगेन दिस इज एक्स्ट्रा, ओके। आगे बढ़ते हैं, इससे बहुत ऐसे कम चांसेस है कि आपके नेक्स्ट आपके कल के या संडे के पेपर में क्वेश्चंस आए, बहुत कम चांसेस है, ओके। द लास्ट टॉपिक विच इज बीन लेफ्ट इज बायो रिएक्टर। अब दिस इज द डायग्राम विच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। अ बायो रिएक्टर इज अ मशीन, इट इज अगेन इट इज अ सोफेस्टिकेटेड मशीन, बिकॉज अल्टीमेटली मैं कमर्शियल प्रोडक्ट बना रहा हूँ। कमर्शियल प्रोडक्ट अगर मेरे को बनाना है, मार्केट इंडस्ट्री बनानी है, तो मैं एक बीकर में काम नहीं कर सकता बेटा, मेरे को मैसिव लेवल पे काम करना है। सो दैट इज व्हाई आई विल यूज सच ह्यूज डिवाइसेस। ये आपको एक एक्चुअल फोटो दिख रहा है फर्मेंटर का, ठीक है, या फिर बायो रिएक्टर का, दिस इज हाउ इट लुक्स। आप कोई भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जाओगे, या कोई भी बियर इंडस्ट्री जाओगे, या कोई भी अल्कोहल इंडस्ट्री चले जाओगे, है ना, अगर आप, हमको तो ये सब चीज़ों की विजिट थी, कोई भी ऐसे इंडस्ट्रीज़ में जाओगे आप, तो आपको ऐसे बड़े बड़े मशीन्स दिखेंगे, इज दैट राइट? दैट इज़ अ बायो रिएक्टर। वॉट इज, एज द नेम सेज, बायो रिएक्टर इज अ सोफेस्टिकेटेड मशीनरी वेयर बायोलॉजिकल रिएक्शंस टेक प्लेस, ठीक है। सो एक बायो रिएक्टर इज ऐसा एक सोफिस्टिकेटेड मशीन होंगी बेटा, ठीक है। अब आप मेरे को पूछोगे सर, नेक्स्ट चैप्टर में भी आएगा, एप्लीकेशंस में भी आएगा, सर हम तो कोई सम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स में हम उन ऑर्गेनिजम्स का जीन को मैनिपुलेट करते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, बड़े बड़े शीप है ना, जैसे ट्रेसी दी शीप, वैसे रोजी दी काओ, ऐसे हमने ऑर्गेनिजम्स बनाए हैं विच हैज़ द एबिलिटी टू जैसे ट्रेसी शीप से हमने मिल्क कंटेनिंग अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन को एक्सट्रैक्ट किया, मतलब उस ट्रेसी शीप में हमने अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन का जीन डाल दिया था, तो ट्रेसी शीप ने जो मिल्क बनाया उसमें अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन था, और उस मिल्क से मैंने अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन को प्यूरीफाई करके एक्सट्रैक्ट किया, ओके। सो इन दैट पर्टिकुलर केस ट्रेसी इज ऑल्सो अ बायो रिएक्टर, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कोई भी ऐसा एक मशीन, कोई भी ऐसा एक डिवाइस, या कोई भी ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जहाँ पे हमारी डिजायरेबल
रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस, बायोलॉजिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, दैट इज रेफर टू एज अ बायो रिएक्टर. देखो बहुत ही ये जो जो काम करता है ना इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में, उनको ये सब चीज़ों की नॉलेज होती है कि कौन सा नॉब किसके लिए है. ओके, कैन इफ यू कैन सी हियर, दीज आर ऑल स्पेसिफिक पोर्ट्स, और ये पीएच कंट्रोल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ना, कंट्रोलिंग डिवाइस आपने, और यहाँ पे एग्जिट पोर्ट भी होता है जिससे आप चीज़ें को एक्सट्रैक्ट एल्यूट करते हो. इज दैट वेरी क्लियर? तो टू मच ऑफ मैन्युफैक्चरल डिवाइस है ये. इज दैट राइट? अगेन इसको बहुत छोटे से इसमें सम अप कर दिया है. नाउ व्हाई डू यू रिक्वायर अ बायो रिएक्टर? बिकॉज वी आर डूइंग अ रिएक्शन, वी आर एक्सट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट एज एट अ मैसिव लेवल, इसीलिए मेरे को बायो रिएक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. ओके बच्चा, ठीक है, आगे बढ़े तो देखते हैं अभी बायो रिएक्टर में होता क्या क्या है. सो बायो रिएक्टर जो है, द फर्स्ट टाइप ऑफ बायो रिएक्टर इज अ सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर, एंड द अदर इज स्पार्ज स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर. ओके, अब इसमें देखो क्या क्या चीजें होती है. मोटर होती है, जो ये एक मोटर होती है फर्स्ट चीज जो आपके, एंड दीज आर और इम्पेलर्स. पूरे के पूरे बायो रिएक्टर में न्यूट्रिएंट मीडियम होगा. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं इंसुलिन बना रहा हूँ, तो इंसुलिन तो मैं इकोलाइक या फिर कोई अदर सेल में बनाऊंगा. अब सेल को कंटिन्यूसली ग्रो करना है ना. अगर सेल ग्रो करना बंद कर देंगे, वेन विल दी सेल स्टॉप ग्रोइंग? वेन दे विल हैव नो न्यूट्रिएंट्स टू ग्रो. सो कंटिन्यूसली आई विल हैव टू कीप ऑन पोरिंग, और आई विल हैव टू कीप ऑन एडिंग न्यूट्रिएंट्स, सो दैट इस मशीन के अंदर, इस डिवाइस के अंदर, इस टैंक के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होनी चाहिए. राइट? और ऑर्गेनिज्म ग्रो होते जाएगा, और न्यूट्रिएंट भी हमको सर्क्युलेट करते रहना चाहिए. सो यू हैव इम्पेलर्स, ये देखो फ्लैट ब्लेडेड इम्पेलर्स. इम्पेलर्स आर नथिंग बट ब्लेड्स, ये घूमते रहते हैं. ठीक है, ये घूमेंगे तो क्या हो जाएगा, घूमते रहते हैं तो व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? दे ट्राइंग टू कीप ऑन मिक्सिंग द न्यूट्रिएंट मीडियम. आपने मेरे को नहीं बताया, ये मुंबई साइड में है ना, तो ट्रेन्स में, ट्रेन के अपना रेलवे स्टेशन पे ना, वो शरबत वाले होते हैं, ऑरेंज शरबत और क्या नींबू शरबत देते हैं, उसमें वो डिवाइस होती है, उसमें इम्पेलर होता है, वो कंटिन्यूसली चीज़ों को घुमाते रहता है, कंटिन्यूसली, स्लोली. ठीक है, तो यहाँ पे भी व्हाट इज इट डूइंग, इट इज कंटिन्यूसली, इम्पेलर्स का काम ही वो है. तो यहाँ पे कल्चर ब्रॉथ होता है जो ऑर्गेनिज्म की कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, एंड दैट इज कंटिन्यूसली क्या बोलते हैं उसको, इम्पेलर उसको मिक्स करते रहेगा, सो दैट द ऑक्सीजन जो है, एक जगह से ऑक्सीजन का इंपोर्ट भी रहता है, स्टेराइल एयर. देखो स्टेराइल एयर, और ये स्टेराइल एयर से, बिकॉज ऑर्गेनिज्म को तो ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट है, तो स्टेराइल एयर इज एडेड. ठीक है, तो स्टेराइल एयर को भी मिक्स करना है आपको, तो इम्पेलर इज यूज्ड. स्टीम फॉर स्टेरिलाइजेशन, एसिड पे थोड़ा सा भी पीएच कंट्रोल, थोड़ा सा भी पीएच में फर्क हो गया, ऑर्गेनिज्म्स विल स्टार्ट डाइंग, तो आपका पूरा का पूरा रिएक्शन खराब हो जाएगा. बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज़ अ वेरी रिस्की, क्या बोलते हैं उसको, रिस्की प्रोफेशन. आपकी पूरी फैक्ट्री पे ताला लग जाएगा, और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे आप एक गलती करते हो तो आपके, एंड देर आर सो मेनी पीपल हु कैन बैक यू, और सो मेनी पीपल हु कैन गो अगेंस्ट यू, एंड आपकी पूरी फैक्ट्री को, बिकॉज जलन बहुत होता है ना लोगों को, तो आपकी पूरी फैक्ट्री पे ताला लग जाएगा. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, यू विल हैव, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर मेकिंग सच प्रोडक्ट्स विच विल गेट इनटू द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमंस. सो यू रियली कांट टेक एनी चांसेस विद रिस्पेक्ट टू कंटेमिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू द सेफ्टी. ठीक है, तो एक सिंपल स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर है. यहाँ पे बैच कंट्रोल भी होता है. बैच कंट्रोल का मतलब क्या बताया, क्या कि आप लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 5 गैलन का मीडियम लिया आपने, 5 गैलन का मीडियम आपने डाल दिया, तो एंड यू विल वेट कि 5 गैलन का मीडियम, लेट्स से आपको पता है कि 7 दिन में वे 5 गैलन का मीडियम यूज़ हो जाएगा, फिर आपने पूरा का पूरा बैच नया डाल दिया, 5 गैलन को आपने निकाला, फिर नया बैच डाल दिया, दैट इज बैच, एंड दिस इज कंटिन्यूअस. तो यहाँ पे आप जैसे जैसे थोड़े थोड़े मीडियम को आप निकालते जाओगे जो यूज हो गए हैं, और नया मीडियम को ऐड करते जाते हैं बेटा. ठीक है, दैट इज वन एग्जाम्पल. द अदर एग्जाम्पल इज स्पार्ज स्टर टैंक रिएक्टर.
स्पार्ज स्टर टैंक रिएक्टर में आप क्या करते हो, आप यू स्पार्ज द एयर, गैस ऑक्सीजन, ठीक है। स्पार्जिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने फिश टैंक में आप स्पार्ज कर रहे हो ऑक्सीजन को, है ना, मोटर लगाया हुआ होता है, वो एयर में से ऑक्सीजन निकालता है, एयर को स्पार्ज करता है, आपने फिश टैंक में देखा रहेगा, दैट्स अ स्पार्जर। नाउ स्पार्जर से क्या होगा बेटा, जब बबल्स जाते जाएंगे, दीज आर ऑल बबल्स, तो वो बबल्स के वजह से भी मिक्सचर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो कीप, इट कीप्स ऑन मिक्सिंग, ठीक है। तो इसे कंटिन्यूसली बबल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, कंटिन्यूसली द ऑक्सीजन इज बीइंग स्पार्ज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पार्जिंग, जो सेम प्रोसेस होता है एक्वेरियम में, जो सेम प्रोसेस होता है आपके फिश टैंक में, ठीक है। सो द बबल्स, यहाँ पे लिखा है देखो, द बबल्स ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑक्सीजन ट्रांसफर, सो दिस इज एन एड ऑन एडवांटेज विच विल हेल्प अस, ठीक है, विच विल हेल्प अस फॉर एफिशियंट ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि अगर इस रिएक्टर के अंदर के ऑर्गेनिज्म खुश है तो आप खुश हो, ठीक है। अगर इस रिएक्टर के ऑर्गेनिज्म ने काम करना बंद कर दिया, अरे हम मरने लग गए, तो पूरा पूरा आपका जो रिएक्शन है या एक्सपेरिमेंट है या प्रोसीजर है उसकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, दैट इज अ बायो रिएक्टर। अ बायो रिएक्टर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, कैन अ ट्रांसजेनिक एनिमल बी अ बायो रिएक्टर, येस इट कैन बी अ बायो रिएक्टर इफ इट इज यूज टू ऑब्टेन सम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, समझे बच्चा, ठीक है। तो दिस इज, ये इसीलिए मैं स्लाइड प्रेपरेशन, स्लाइड स्क्रीनिंग पे जा रहा था, क्या स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको वीडियो भेज रहा हूँ, बिकॉज आई कुड शो यू अ PCR डिवाइस, आई कुड शो यू अ बायो रिएक्टर इन दिस पर्टिकुलर टेक्निक, ठीक है। बहुत ही ऐसे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है मशीन, सो दैट इज हाउ इट इज। द लास्ट प्रोसेस विच वी हैव टू टॉक अबाउट इज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब आपने क्या कर लिया, फर्मेंटर में या बायो रिएक्टर में आपने आपका प्रोडक्ट तो बना लिया, ठीक है, अब आपने प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट भी कर लिया, बट मार्केट में जाने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आपको उसका क्वालिटी कंट्रोल करना पड़ेगा। प्यूरीफाई तो आपने कर लिया बेटा, बट उसको और एक्स्ट्रा प्यूरीफाई करके डिस्टिलेशन या जो भी प्यूरिफिकेशन मेथड कर रहे हो, तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में व्हाट इज इंक्लूडेड, क्वालिटी कंट्रोल, है ना, क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी आपका सैंपल, जो भी आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट है, दैट इज अल्टीमेटली चेक्ड, उसकी स्टेरिलिटी चेक की जाती है, उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ है वो चेक की जाती है, उसकी एबिलिटी चेक की जाती है, सो क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज चेक्ड, ठीक है। सो क्वालिटी के बाद क्या होता है, पैकेजिंग, क्वालिटी के बाद आप पैकेजिंग करोगे, अब पैकेजिंग भी आप अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट करोगे, जैसे आप इंसुलिन है तो छोटे छोटे बॉटल्स में डालोगे, है ना, अब दूसरा एक टाइप का इंसुलिन आता है जो आप डायरेक्टली इंजेक्शंस में भरते हो, छोटे छोटे वायल्स में डालते हो, अगर एरिथ्रोपोइटिन है तो आप एरिथ्रोपोइटिन इंजेक्शन है तो आप डायरेक्टली उसको इंजेक्शन में पैकेज करते हो बेटा, आप उसको अलग से बॉटल में नहीं रख सकते, बिकॉज बॉटल में रखा तो हैंडलिंग में, ट्रैवलिंग में, या फिर इट बिकम्स वेरी, द पोटेंसी कंपैरेटिवली डिक्रीजेस, तो पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट राइट, स्टेराइल पैकेजिंग होनी चाहिए, सो क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग, है ना, सो अल्टीमेटली ऑल दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये आपका काम नहीं है। क्वालिटी कंट्रोल में यस, बायोलॉजी जो पढ़ते हैं उनको रखा जाता है, पैकेजिंग वैकेजिंग में वो डिप्लोमा वाले लोगों को रखा जाता है, मार्केटिंग में मार्केटिंग वाले लोगों को रखा जाता है, MR लोगों को रखा जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। सो ऑल दैट प्रोसेस डाउन स्ट्रीम, एक बार आपका प्रोडक्ट, नाम क्यों दिया देखो डाउन स्ट्रीम, बिकॉज एक बार आपका प्रोडक्ट मिल गया है, प्रोडक्ट कैसे मिला, प्रोडक्ट आपने नीचे टैप ओपन किया, इधर नीचे टैप ओपन किया, प्रोडक्ट निकाला आपने, यहाँ पे टैप ओपन करके प्रोडक्ट निकाला, सो डाउन स्ट्रीम, अब जो डाउन स्ट्रीम करके आपने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको आपको फाइनल प्रोसेसिंग करना पड़ेगा बिफोर इट रीचेस दी मासेस, लोगों तक पहुंचने से पहले यू विल हैव टू डू सर्टन अदर टेक्निक्स दैट इज रेफर टू एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो इन अदर वर्ड्स,
Again, going back to the exact start point, we started up with something called as genetic engineering. Genetic engineering ke baad we did chemical engineering, which is associated with maintaining sterile environment. And post that, what we did was downstream processing. And after downstream processing, you are successfully able to sell it to the masses, and the people are absolutely ready to enjoy the benefits of the product which you have made. Very clearly understood, beta. ठीक है, so there I wind up this particular chapter successfully. Okay, and thank you so much for watching. I am inconvenience के लिए मुझे खेद है. ठीक है, that is all for today. Take care of yourself. God bless you, and all the best for your exam. All the best for your test. ठीक है. एप्लीकेशंस की हम नेक्स्ट इससे चालू कर लेंगे. आई एम ट्राइंग टू फिनिश अप एवोल्यूशन फर्स्ट. एवोल्यूशन आधा कर लेंगे सो दैट आप नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए तैयार रहो. ठीक है, और उसके बाद बीच बीच में आई विल कीप ऑन पुटिंग एप्लीकेशंस. एप्लीकेशंस इज नॉट अ मैसिव चैप्टर. 3 या 4 लेक्चर्स में वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर उससे भी कम लेक्चर्स में वो ख़त्म हो सकते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल. बाय बाय. I don't want to extend the time limit of the video, and that's it.